नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल जिसका नाम है एमपी सपोर्ट। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुशल भारत, और आज हम बात करने वाले हैं हाथ घुमाकर कैसे बॉलिंग करें। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन आया कि सर हमको ऐसा बताइए जिसकी वजह से हमारा जो बॉलिंग एक्शन है वो सही हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको थ्रो बॉलिंग को कैसे अवॉइड करना है और सीधा हाथ घुमाकर परफेक्ट बॉलिंग एक्शन कैसे करना है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को ऐसे ही क्रिकेट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, हाथ घुमाकर बॉलिंग डालने की मैं जो रीत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बॉलिंग एक्शन के बारे में बताया, चकिंग के बारे में बताया और थ्रो बॉलिंग के जो रूल है, जो ICC के नियम है, उसके बारे में बताया है। तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखेगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर जरूर दे दूँगा। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो कि आपका नेचुरल एक्शन होना चाहिए। बहुत सारे लोग देखा है मैंने कॉपी करते हैं, मलिंगा का एक्शन कॉपी करते हैं, जसप्रीत बुमराह का एक्शन कॉपी करते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको अपने नेचुरल जो एक्शन है उसी में आपको बॉलिंग करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, नेचुरल एक्शन में अगर आप बॉलिंग करते हैं, अगर आप थ्रो डालते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको गलत चीज़ बता देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आप जब बॉलिंग करते हैं तब ज़्यादा पेस की लालच में आप क्या करते हैं, आप यहाँ से बॉल को ऐसे छुट्टा मार देते हो, यानी कि जिसको भाटा फेंक या पत्थर फेंक भी बोलते हैं, तो इसको हमको अवॉइड करना है। बहुत सारे ऐसे नए बॉलर हैं जो मैंने देखा है, शुरुआत से ही वो चाहते हैं कि उनकी बॉल में पेस आए, तो ये एक दिन का खेल नहीं है, ये आपको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा, अपने बॉलिंग एक्शन को इम्प्रूव करना होगा, अपने बॉलिंग एक्शन को प्रॉपर तरीके से करना होगा, और उसके बाद आप सोचें कि आपको पेस कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका जो हाथ है वो पूरा घूम कर आए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नेचुरल जो बॉलिंग एक्शन है उसको फॉलो करना है, और उसके बाद आपको जितना हो सके उतना हाथ को घुमाकर बॉलिंग डालना है। अगर शुरुआत में आप थ्रो बॉलिंग डालते होंगे तो आपको शुरुआत में दिक्कत आएगी जब आप पूरा हाथ घुमाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप हाथ घुमाएं पूरा तब बॉल अलग ही डायरेक्शन में जाए, यानी कि आपकी जो पिच है यहाँ पे हो, तो बॉल ऐसा हो सकता है फर्स्ट स्लिप की ओर जाए या फिर लेग स्लिप की ओर भी जाए। तो आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। शुरुआत में जितना हो सके उतना आप हाथ घुमाकर बॉलिंग करें, और ट्राई कीजिए सबसे पहले अपनी लाइन और लेंथ को इम्प्रूव करने की। अपनी लाइन और लेंथ मतलब जो गुड लेंथ है वहाँ पर डालने की कोशिश कीजिए और पूरा हाथ घुमाकर डालिए। आप पहले पेस की चिंता मत कीजिए, उसके बाद एक बार आपकी लाइन और लेंथ इम्प्रूव हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे आप जब रोज़ ये प्रैक्टिस करने लगेंगे, आप डेली रूटीन में इसको यूज़ करने लगेंगे, उसके बाद आपकी पेस भी आप देखोगे कि धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों, हाथ घुमाकर जब आप बॉलिंग करते हो तो बहुत सारी बार आपकी जो बॉडी का मूवमेंट है, आपका जो नॉन आर्म का मूवमेंट है, उसकी वजह से भी आप गलती कर बैठते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप बॉलिंग कर रहे हो तब आपका नॉन आर्म है वो पिच की लाइन में होना चाहिए, यानी कि आपको अपने नॉन आर्म को लेज़ी नहीं रखना है। बहुत सारे बॉलर को मैंने देखा है कि वो नॉन आर्म को लेज़ी रखते हो, वो बॉल आर्म को इस साइड डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो पूरा बॉडी होता है उसका बॉडी वेट पूरा इस तरफ चला जाता है और आपकी बॉडी भी स्ट्रेट नहीं रहती। इसकी वजह से जब आपका बॉडी पूरा इस साइड चला गया तब आप सीधा बॉल डालने का प्रयत्न करोगे और सीधा डालोगे तब आपकी ये गलतियाँ होगी। तो आपको सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ है वो आपका जो नॉन आर्म है वो सीधा रहना चाहिए, जितना हो सके उतना सीधा रखना है। उसके बाद इसको दोनों को तालमेल के साथ घुमाना है, इसको जैसे कि आगे लाए तो इसको पीछे से लाना है, और जितना हो सके उतना कान के पास से लाना है। जैसा कि आपने भुवनेश्वर कुमार को देखा होगा, जब वो बॉलिंग करते हैं तब पूरा वो कान के पास से लाते हैं। तो आपको यह प्रैक्टिस को फॉलो करना है, यह बेसिक्स को फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपका जो बॉलिंग एक्शन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और एक गलती होती है, आपका जब वेट होता है, जब आप डाइव लगाते हैं तब क्या होता है, आपका जो वेट होता है वो आगे के टोप पर गिरता है। जब वो आगे के टोप पर गिरता है तभी भी आपका जो पूरा बॉडी वेट होता है वो कंट्रोल में नहीं रहता, और इसकी वजह से भी बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे बॉलर थ्रो बॉल करते हैं। तो आपको क्या करना है इसको सुधारने के लिए, जब जब भी आप बॉलिंग कर रहे हो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप डाइव कर रहे हो उसके बाद जब आप लैंड कर रहे हो इस पैर पर,
तब आपका जो बॉडी का वेट है वो पूरी तरह से पैर पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि आपको टो पर भी नहीं आना और आपको नी पर भी नहीं आना। आपने बहुत सारे बॉलर को देखा होगा कि जब वो लैंड करते हैं तब वो फिसल जाते हैं, हालांकि उन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहने होते हैं, फिर भी वो लिपस जाते। इसका जो कारण है कि वो एड़ी पर लैंड करते, जब वो एड़ी पर लैंड करते हैं तब उनके बॉडी के कंट्रोल नहीं रहता और वो गिर जाते हैं, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक ड्रिल है जो बेसिक है, जो आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं अपनी बॉलिंग को पूरा हाथ घुमाकर डालने की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक दीवार के सामने कुछ इस हिसाब से खड़े रहना है, मतलब आपको इस हिसाब से बैठना है, और उसके बाद आपको जो ट्राई करना है कि आप पूरा हाथ घुमाकर बॉलिंग करें। तो ये ड्रिल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप पूरा हाथ घुमाएं, क्योंकि आपको चीटिंग नहीं करनी है, यहाँ पर कोई आपको जज नहीं करेगा कि आपकी पेस कम है। सबसे पहले आप इस ड्रिल को कीजिए, इस ड्रिल में जब आप माहिर हो जाएंगे तब आप रियल बॉलिंग एक्शन में आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं अपनी बॉलिंग एक्शन के बारे में, और आप अपनी बॉलिंग को पूरा हाथ घुमाकर डाल पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो की वजह से आप अपनी बॉलिंग एक्शन को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।